किसी से आई तस्वीर से अखिलेश परेशान, एक साथ नजर आए राहुल और पल्लवी पटेल, अब न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी वाराणसी पहुंच गई है। वाराणसी पहुंचकर कांग्रेस सांसद ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। राहुल एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के वाराणसी पहुंचते ही वहां का नजारा बदला हुआ नजर आया। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन वाराणसी पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है। यात्रा के दौरान राहुल की गाड़ी में सपा की विधायक पल्लवी पटेल उनके साथ नजर आईं, साथ ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी नजर आए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि पल्लवी पटेल को राहुल की यात्रा में देखने के बाद क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। सपा प्रमुख इस यात्रा में शामिल होने की हामी भी भर चुके हैं। उन्होंने अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पर अपनी सहमति भी दी, लेकिन पल्लवी पटेल इन दिनों अखिलेश से नाराज चल रही हैं। उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर भी बयानबाजी की थी। इसके बाद पल्लवी का वाराणसी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना अखिलेश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा से खुश नहीं है और उन्होंने भी राहुल की यात्रा में शामिल होने की बात कही थी। अब ऐसे में बगावती नेताओं का ऐसा करने से खुद अखिलेश यादव को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए फिर से सोचना पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।